आखिरी जगह बाकी है, बस वहाँ काम हो जाए। तुम्हें पता है जुमरुद, हम कुएं में से सुई ढूंढने जा रहे हैं। तुम बहुत थक गई हो, कल फिर आ जाएंगे। नहीं, चलो पहले इधर भी मालूम कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ फिराद बेटा, बताओ क्या सूरत हाल है वहाँ? पूरा हॉस्पिटल जेवदत को बचाने में लगा हुआ है बाबा, और वो बारान भी। बारान चाहे कुछ भी कर ले, उसे बचा नहीं पाएगा। अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हाँ, उसके मरने के बाद बारान की बारी है, भूल मत जाना तुम। बाबा अगर जेवदत नहीं मरा तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? ये अगर कहां से आ गया बेटा? बारान के आदमी से बात हुई थी मेरी, वो सीसीटीवी फुटेजेस की तलाश में निकला हुआ है। अगर वो उसे मिल गई तो वो समझ जाएगा कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। तो डिलीट करवा दो उन्हें। काश के मैं कुछ कर सकता, लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बाबा बताएं अब क्या करें? अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे। तुम भी पुरसकून रहो, कुछ मत करना, अपने आप पर काबू रखना होगा तुम्हें। ठीक है, जैसा आप कहें। बरसों पहले जो काम अधूरा रह गया था, अब वो तुम्हारे बेटों के साथ मुकम्मल होगा, बस देखते जाओ। सुना तुमने? बस देखते जाओ। पानी डालो इसमें। गुल, मक्खन गरम हो गया होगा, देखो लाकर थोड़ा सा डाल दो इसमें। बारान साहब बहुत शौक से खाते हैं, ये उनका पसंदीदा मीठा है। अम्मी, क्या वाकई में उसके भाई को बारान साहब ने गोली मारी है? मुझे तो इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बारान साहब क्यों मारेंगे उसे? और अगर बारान साहब को उसे मारना होता तो पहले ही दिन नहीं मार देते? इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। मेरे लिए पानी लाओ। हवेली के मुलाजमीन ने कब से इन मसाइल पर बात करनी शुरू कर दी? हाँ, अपने काम पर तवज्जो दो और इन सब बातों से दूर रहो, वरना मुझे नहीं अम्मी को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा भी क्या कह दिया हमने? किसी और का गुस्सा वो यहाँ आके उतार रहे हैं। छोड़ो ये बात, खमीर उठाओ और थोड़ा थोड़ा करके डालो इसमें।